आज है 11 दिसंबर एंड अभी दिन 3:33 शाम का बज रहा है, मतलब अभी यार काफ़ी दिन बाद ब्लॉग कर रहे हैं। एक्चुअली आज मेरा एग्ज़ाम था एसआरटी एसटीएम का, तो उसके लिए पटना गुलजार वगैरह था, तो वही एग्ज़ाम देने के लिए आया है। सेंटर में एक्चुअली 4 बजे एग्ज़ाम है एंड अभी 3:40 होने वाले, लेट हो रहा है यार, जल्दी से पहुँचते हैं एंड फिर पहुँच के वहाँ पर आपके हिसाब से बात करते एग्ज़ाम देने के बाद। तो यार एग्ज़ाम सेंटर पहुँचते ही मतलब काफ़ी टाइम हो ही गया था, बस 10 मिनट पहले पहुँचे थे एंड उसके बाद एग्ज़ाम 4 बजे से स्टार्ट था। सो एग्ज़ाम देने लगे, एग्ज़ाम एक्चुअली ऑनलाइन मोड में था तो सबको सिर्फ लैपटॉप या फ़ोन ले जाना था तो अलाउड था, तो एग्ज़ाम जल्दी से दिए एंड उसके बाद निकले एग्ज़ाम। बात देखो यार एग्ज़ाम पता नहीं अच्छा गया कि बुरा गया, हमको नहीं पता है, देखते हैं रिजल्ट उसके बाद आता है। अभी एक्चुअली कितना 5-10 हो रहा टाइम निकल चुके हैं, हम लोग कभी थोड़े जा रहे हैं, देख रहे हैं ऑटो मिलता है कि नहीं जाने के लिए एंड देखते फिर जाके। क्वेश्चन कैसा था भैया, गलती था ना क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन था, एक गलती था जहाँ ये एक्स कोस एक्स साइन एक्स वाला क्वेश्चन था, वहाँ पर अपॉन एक्स स्क्वायर सबको बोनस मिलना चाहिए यार, मतलब जो क्वेश्चन था उसमें बोनस मिलना चाहिए। नौसा दिया तुम्हारा जल्दी एग्जाम, तुम भाई टॉपर बनेगा, बिहार टॉपर हमारे नेक्स्ट। देखा लग भाई रैंक पीछे से पीछे भाई हमारे, ना 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 सबसे पहले किया, टाइमिंग मैटर ब्रो, टाइमिंग मैटर। और टाइम बाउस रहे बहुत चाहिए जिंदगी बहुत चाहिए नहीं जो हम तो मैं बिल बन जाओ पहली बार मैं मेरे कंप्यूटर कितना है, कहाँ कहाँ पर दिखा दो तो फाइनली हम लोग अभी घूम, थोड़ा सा शाम हुआ था तो अभी आए गांधी सेतु एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ गांधी सेतु यार, मतलब अमेजिंग, लुक एट लाइटनिंग सैंड यार कितना बढ़िया दिख रहा है यहाँ से। नसाद भाई बिहार टॉप बन के क्या कहना चाहते हो यार? अमन भैया तो हमारा सेकंड बिहार टॉपर बन गया है। तो यार अभी 7 बज रहा है शाम के, यार काफ़ी लेट हो गया, मतलब दिल्ली में अभी गांधी मैदान फिलहाल है, अभी आई थिंक रूम जाने में 30-45 मिनट लग जाएगा, थक गए यार, दोपहर खाना भी नहीं खाते हैं, कोशिश करते हैं जितना जल्दी जाने के लिए। चलो पूरा क्या बताना कि भीड़ था, रास्ते में भीड़ था तो आने में काफ़ी टाइम ही लग रहा था, काफ़ी हेक्टिक रहता है, जाते हैं जल्दी से रूम पे बाद रेस्ट करते हैं रूम में जाकर। सो कैसे भी हम लोग गांधी मैदान ऑटो लेके पहुँचे हैं, उसके बाद काफ़ी भूख लगा था तो कुछ हम लोग खाए एंड सब थक गए थे यार, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था तो जल्दी से फिर ऑटो लिए एंड उसके बाद बोरिंग रोड के लिए हम लोग निकल लें एंड ये देखिए अब क्या बोले हैं, मतलब गोलघर का व्यू कितना ब्यूटीफुल रात को लग रहा था, पूरा लाइटनिंग कितना बढ़िया लग रहा था, सो इट वॉज मेसमराइजिंग। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, सो कीप सपोर्टिंग एंड गुड बाय, थैंक यू।